एल्वान मोरा कांग्रेस चेहरा, ये सवाल आखिर क्यों खड़ा हो रहा है? सवाल क्योंकि ये है, विनेश फोगाट क्या कांग्रेस का चुनावी मोहरा है? क्या कांग्रेस ने बेटियों के सम्मान की बात कहकर विनेश को अपने षड्यंत्र का हिस्सा बना लिया? विनेश के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही अब ये सवाल जोर पकड़ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ क्यों रहे हैं इस रिपोर्ट में समझिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में है और ब्रजभूषण शरण सिंह फुल फॉर्म में। जब से विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा है, तभी से बीजेपी और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हमलावर है। देश में चुनाव और उस पर सियासत होते रहेंगे, मुद्दे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन देश की बेटियों का क्या होगा? क्या बेटियों के साथ ऐसे ही दुष्कर्म होते रहेंगे और सियासी पार्टियां वोट बैंक के नाम पर बेटियों का सिर्फ जिक्र करते रहेंगे, बेटियों के साथ खड़े होने का दावा करते रहेंगे, और क्या सियासत के तराजू पर बेटियों की सुरक्षा को तोलते रहेंगे? कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं रखे हैं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। बंगाल की बेटी के लिए आज भी लोग सड़कों पर हैं, लेकिन अब तक बंगाल की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। वही विनेश फोगाट मामले में कांग्रेस ताल ठोक रही है कि वो बेटियों के साथ हैं, तो ब्रजभूषण सिंह बता रहे हैं कि कैसे ये पूरे स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो मारे हैं देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, मुझको हटाना मकसद था, हमको बदनाम करना, हमको बर्बाद करना, हमारे बहाने पार्टी को भी घेरना कि ये पार्टी लड़कियों की दुश्मन है। तीर एक था लेकिन निशाना कई था, और आज ये सारी बातें निकल करके आई हैं और अभी और आएंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह शुरू से हमलावर रहे, वो पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के आंदोलन को सियासी बताते रहे। अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का झंडा उठाकर उन्हें हमले का मौका दे दिया, इसीलिए दोनों बैकफुट पर है। वैसे मुद्दा सिर्फ विनेश फोगाट और ब्रजभूषण की सियासत का नहीं है, बल्कि देश की बेटियों की है। कांग्रेस बंगाल और केरल के मुद्दे पर मौन है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विनेश भारत की बेटी है तो क्या बंगाल की बेटी भारत की बेटी नहीं? सवाल ये भी कि सियासी मतलब के हिसाब से बेटियों के साथ विपक्ष मौन रहेगा या बोलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की बेटियों को आखिर कौन बचाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, और इसी के साथ ही दो साल पहले कुश्ती को लेकर जो विवाद देखने को मिला था वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ शोषण के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा है कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश थी जो अब बेनकाब हो चुकी है। और क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो आपको सुनवाते हैं। ब्रजभूषण जी, आप क्योंकि आप ये लगातार पहले से कह रहे थे कि पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, क्या वो स्ट्रेटजी यही थी? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि दिल्ली से चल करके आप हमारी बात जनता तक पहुँचाने के लिए आए। 18 जनवरी को एक धरना प्रारंभ होता है और मांग शुरू होती है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा हो। मैं पहलवानों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं, जब बातचीत नहीं करते हैं तो मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूं लखनऊ से। एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने घर पहुंचता हूं और जब मौका पाता हूं तो अपनी बात रखता हूं।
और उसी समय मैंने अपनी बात रखी थी कि ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं है और इसमें भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। बाद में चूंकि लड़कियों का मामला था इसलिए काफ़ी लोग जुड़ गए, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता था तो अपनी बात मैं रखता था और शुरू से ये मैं कहता हुआ चला आया हूँ कि हमारे खिलाफ़ एक षड्यंत्र था जिसमें मुख्य अदाकार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा और उन्होंने राहुल जी को भी विश्वास में ले लिया, उन्होंने प्रियंका जी को भी विश्वास में ले लिया और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जिसका पटाक्षेप अभी कांग्रेस कार्यालय में हुआ। विनेश फोकाट और बजरंग पूनिया ने पार्टी को ज्वाइन किया। इसके पीछे क्या वजह क्या समझते हैं, क्योंकि आप ये भी आरोप लगा रहे कि 2012 में जब कुश्ती संघ के चुनाव होने थे उसमें मेरी जीत होती है और यही पूरी वजह रही कि पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था। देखिए, कहते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयां रही होंगी। मैंने खेल को लेकर के एक नियम बनाया, ये सब बातें मीडिया में आ चुकी है कि बिना ट्रायल के कोई नहीं जाएगा, खिलाड़ी को नेशनल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर प्रांत से एक ही खिलाड़ी लड़ेंगे, गैर प्रांत का खिलाड़ी गैर प्रांत से नहीं लड़ेगा। इस सब को लेकर के इनको तकलीफ थी लेकिन इसको रंग दिया भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने। क्योंकि एक प्रश्न आज मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, पहली बार ये बात याद आ गई तो मैं बोल रहा हूं, जिस समय इन कथित लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा था तो मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा थे। क्या इन लड़कियों ने दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास में लिया? क्या दीपेंद्र हुड्डा ने कभी किसी घटना की नाराजगी हमसे उन्होंने बताई कि भाई हमारी लड़कियां हमारे यहां गड़बड़ी हो रही है, हमसे शिकायत नहीं कर सकती हैं? तो दीपेंद्र हुड्डा से तो कर सकती थी। क्या दीपेंद्र हुड्डा कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना जिसके लिए उन्होंने फोन किया हो? और ऐसा नहीं कि उनको फोन पर बातचीत नहीं होती थी, फोन पर बातचीत होती थी, तमाम उनकी सिफारिश होती थी, खिलाड़ी के संबंध में जाहिर सिफारिशें होती, बातचीत होती थी, उसको माना भी जाता था। तो अगर मैं उस दौरान उनके साथ अत्याचार कर रहा था तो अगर मैं दोषी हूं तो दीपेंद्र हुड्डा भी दोषी है, क्योंकि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो वो क्या कर रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं आवाज उठाए? और जब किसी कारणवश वो कुश्ती से अध्यक्ष पद से हटा दिए गए और वहां नई फेडरेशन आ गई, तब ये षड्यंत्र की शुरुआत होती है और तब ये घटनाएं निकल करके आती हैं। तो एक तो इनका कुश्ती संघ पर कब्जा करना था और दूसरा जो इनका बड़ा स्वार्थ था इसी हरियाणा को चुनाव को ऐसा लगता है मुझे मद्देनजर लग करके था कि एक हरियाणा के अंदर पूरे साल के साल दो साल तक एक माहौल बनाओ और हमारे बहाने जो है बीजेपी पर हमला करो, मोदी जी पर हमला करो,